देश में लगातार सामने आ रहे बैंक घोटालों को लेकर आरबीआई और मोदी सरकार आमने सामने आ गए हैं। एक दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि उनके पास किसी सार्वजनिक बैंक के निदेशकों या प्रबंधक को हटाने की शक्ति नहीं है। पटेल के इस बयान को झटकते हुए अब केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी शक्तियां उन्हीं के पास हैं। सरकार के इस बयान को आरबीआई के लिए कड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल पीएनबी स्कैम के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार पर लग रहे तमाम आरोपों को खारिज करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ऑडिटर्स को दोषी माना था, जिसके जवाब में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि आरबीआई के पास अधिकारियों पर कार्रवाई करने के पर्याप्त अधिकार नहीं है। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में बोलते हुए उर्जित पटेल ने कहा कि केंद्रीय बैंक के पास बेहद सीमित अधिकार हैं, वह सार्वजनिक बैंक के निदेशकों या प्रबंधन को हटाने में सक्षम नहीं है। आरबीआई सार्वजनिक बैंकों का विलय भी नहीं करा सकता, ऐसे में वो घोटालों में संलिप्त अधिकारियों को कड़ा संदेश देने में असमर्थ है। आरबीआई के इस बयान के एक दिन बाद ही अब सरकार की तरफ से एक वक्तव्य आया है, जिसमें उसने उर्जित पटेल की बात को झटकते हुए कहा कि आरबीआई के पास पर्याप्त अधिकार है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि आरबीआई के पास ही बैंक और कर्ज को लेकर जितनी शक्तियां हैं उतनी सरकार के पास नहीं है। आरबीआई ही हर साल कर्ज देने की नीति, विदेशी मुद्रा से संबंधित नीतियों और बैंकों के कामकाज की समीक्षा करता है। सिर्फ आरबीआई ही सरकारी सहित अन्य बैंकों को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैड लोन पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य कर सकता है। ऐसे में आरबीआई का ये बयान समझ से परे है। लिव लाइफ की रिपोर्ट।